सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं लग्जोर। लग्जोर रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही मुझे वहाँ एक टैक्सी वाला मिल गया। थोड़ी देर नेगोशिएट करने के बाद वो मुझे पास के ही एक फेरी स्टैंड पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए मैंने उनको 20 इजिप्शियन पाउंड दिए। अभी मैं हूँ लग्जोर के एक प्राइवेट फेरी स्टैंड पर, जहाँ से कई सारी फेरीज बनकर निकलती हैं। एक्चुअली मुझे सामने वाले आइसलैंड पर जाना है, इसके लिए मैंने फेरी जो किराया है वह है 5 इजिप्शियन पाउंड वन साइड का, वो दिया है। अभी मैं बैठा हूँ फेरी के अंदर और तकरीबन 10 मिनट की राइड करके मुझे सामने जाना है। हम लोग अभी फेरी भरने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही फेरी भर जाएगी ये फेरी निकल पड़ेगी। आपको ये क्रॉस करने के लिए एक फेरी ही एकमात्र रास्ता है। देखिए सामने वहाँ की लोकल फेरी आ रही है, वो उधर से आ रही है, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। फेरी से उतरने के बाद सबसे पहले तो मुझे एक सस्ता और अच्छा होटल सर्च करना है। एक्चुअली मैं पहले आसवान जा रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ और मैं लग्जोर ही उतर गया। लग्जोर से आसवान तकरीबन 2 घंटे की ट्रेन राइड है। तो एक्चुअली मुझे क्रूज़ पर जाना था और क्रूज़ जो मुझे ड्रॉप करेगा वो आसवान ही करेगा, इसीलिए मैं वहाँ एक दिन और स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। तो मैं लग्जोर आ गया। अब लग्जोर मैं एक दिन एक्सप्लोर करूँगा और कल होपफुली मैं हॉट एयर बैलून राइड करने के बाद मैं क्रूज़ पर चला जाऊँगा। ये है यहाँ का छोटा सा फेरी स्टैंड। फाइनली मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद एक छोटा और सुंदर सा होटल सर्च कर लिया, जिसका नाम है क्लियोपेट्रा। तो ये पहुंच गया मैं अपने लग्जोर में होटल का, जो मैंने किया है क्लियोपेट्रा। सुंदर होटल, कमरा बजट में करीब 1000 रुपये में मिल गया मुझे कमरा। ये एकदम लास्ट मोमेंट पे किया है मैंने। बाथरूम भी काफ़ी साफ सुथरा, छोटा लेकिन साफ सुथरा है। छोटा फ्रिज, टीवी, जो राजाओं से फीलिंग आएगी सुनने में यहाँ पे, उसका तो मैट वगैरह लगा के। ये है लग्जर में मैं अपने होटल क्लियोपेट्रा के टेरेस पे। मेरे लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। होटल छोटा है लेकिन काफ़ी एंटिक सा लुक दिया हुआ है इसको। मैं भी हूँ टॉप फ्लोर पे और लगभग होटल खाली है। काफ़ी कूल इंटीरियर बनाया है। आपको पूरा ये फील आएगा जैसे कि आप एक रियल पिस्टर में हैं। ये देखिए यार, लोकल्स कुछ काम कर रहे हैं अपने। ये पुराने टाइप के घर, ब्रेकफास्ट रेडी। पहले पेट पूजा करता हूँ।
रोटियां क्या करेगा भाई, रोटी भी ठंडी। होटल में रुकने और अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नहाया धोया और वापस बोट करके मैं इस साइड में आ चुका हूँ। थोड़े से दूर चलने के बाद में छोटा सा यहाँ एक टॉकिया टाइप का बना हुआ है जहाँ मैं भी घूम रहा हूँ। No. यार कहीं भी खड़े हो जाओ ये मधुमक्खी की तरह आगे चिपक ही लेते हैं। तो मुश्किल है यार, मतलब यहाँ घूमना अकेला बहुत मुश्किल है भाई। जैसे अपने कश्मीर में शिकर राइड फेमस है ना, सेम उसी टाइप में यहाँ पे भी फलूका राइड बहुत फेमस है। ये है पूरी नाइल रिवर और मेरा जो होटल है नाइल रिवर के उस पार सामने वहाँ है, तो मुझे ये नाइल रिवर इससे क्रॉस करनी होती है। तो इसका चार्ज वेरी करता है कौन सी आप फलूका में या जो लोकल बोट में जाते हो। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तब मैंने 5 इजिप्शियन पाउंड दिए थे, अभी मैं इजिप्शियन पाउंड में भी आया हूँ तो आप थोड़ा सा देख लें 1-5 के बीच वेरी करता है। यो थैंक यू। थैंक यू। लगभग अब शाम होने को है और देखिए यहाँ की लाइटिंग भी चालू हो गई। बहुत सुंदर सीन है यहाँ का दोस्तों, बहुत सुंदर। सामने देखिए सनसेट होने को है, बड़े क्रूज और ये जो फलुकास खड़े हैं ये अपने आप में एक अलग सा ही रोमांच पैदा करते हैं। इधर के लोग भी बहुत कूल सी लाइफ जीते हैं। अभी देखिए शाम होने को है और थोड़ी देर में यहाँ के लोकल्स की जो लेडीज़ और बच्चों के साथ यहाँ आ जाएंगी और जो दोनों साइड में ये घास बनी हुई है वहाँ ये लोग बैठ जाते हैं, अपना बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते हैं, खाना पीना खाते हैं और कुल मिला के एकदम चिल करते हैं यहाँ पे ये लोग। साफ़ सुथरा ठीक ठाक है, जैसा अपना इंडिया है उतनी ही यहाँ पे सफाई है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया और इजिप्ट के कल्चर के अंदर, बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। दूसरा ये लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। और इसमें काफ़ी कुछ जो योगदान है बॉलीवुड मूवीज़ का है, यहाँ के लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ के दीवाने हैं। जहाँ भी आप जाएंगे पीछे से आवाज़ लगाएंगे, हे इंडियन इंडियन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। ये देखिए शाम होने का नज़ारा, तकरीबन टाइम हुआ है 6:30। ये पूरा वही जगह है जहाँ से मैंने लोकल फेरी ली थी। सामने छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ये सामने जो है फेरी काउंटर है, यहाँ से आपको फेरी के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। बहुत सुंदर एम्बियंस है यहाँ का। चलिए मैं आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ छोड़ के जाता हूँ और मिलता हूँ कल सुबह हॉट एयर बलून राइड के साथ में। तब तक गुड बाय, शुभ रात्रि।